हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं हूँ सुमन, सुमन की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बाजरे की रोटी, किस तरह से बनाए, न चकला न बेलन, और बाजरे की रोटी का चूरमा कैसे बनाए। चलिए आपको चूरमा बनाने बताते हैं, और यदि आपको पसंद आए आप खा के देखिएगा, टेस्टी भी है, हेल्दी भी है। आपको पसंद आए तो आप लाइक करना ना भूलिएगा, अंगूठा ज़रूर दबा दीजिएगा, और मेरे यदि मेरे चैनल पे पहली बार हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा, मेरी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। चलिए चलते हैं बनाने की तरफ। चलिए चलते हैं बनाने की तरफ। देखिए, हमने बाजरे का आटा चाल के ले लिया है, एक कप से थोड़ा कमी है देखिए, और बिल्कुल आधा कप मैंने गेहूं का आटा लिया है। देखिए, इसको मैं चल रही हूँ बाजरे की रोटी बनाए, उसके चूरमा बनाऊंगी, और किस तरह से बनता है आप देखिएगा। न चौका का प्रयोग होगा, न बेलने का प्रयोग होगा। चलिए देखते हैं, मेरी वीडियो शुरू से देखिएगा लास्ट तक। देखिए, अब दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से। गर्मियों का इस समय, ठंडियों का सीजन चल रहा है, इसमें बाजरे का रोटी आप जरूर खाइए, हेल्दी भी होता है और गर्म भी करता है, ठंडियों में सही रहता है, तो आप जरूर खाइए इसको। देखिए, और हमने गुनगुना पानी ले रखी हूँ आधा गिलास, थोड़ा सा ज्यादा है। अब इसको चलते हैं गूंथते हैं इस तरीके से, आप देखिएगा। इसलिए मैंने कांच के बर्तन में नहीं गूंथ रही हूँ, इसमें गूंथ रही हूँ, आप देखिएगा इसमें आराम से। इसलिए इसके लिए बड़ी थाली ली हूँ गूंथने के लिए। आप ज्यादा रोटी बनाना है तो एक साथ आटा मत गूंथिएगा, थोड़ी रोटी बनानी है तो आप गूंथ लीजिए, दो रोटी के लिए, एक रोटी के लिए आप गूंथ सकते हैं, एक साथ आटा नहीं गूंथते इसका, थोड़ा थोड़ा गूंथ के बनाते हैं थोड़ी थोड़ी रोटी इस तरीके से। इसमें ना चौका का प्रयोग होगा ना बेलना का, हाथ से ही बनेगी। आप चाहो तो चौका से भी बना सकते हो, थोड़ा सा गेहूं का आटा का मात्रा ज्यादा मिलाना पड़ेगा और बना सकते हो आप। ये दरअसल क्या है, टूट जाती है जल्दी जल्दी, जैसे मक्के का आटा होता है, मक्के की रोटी वैसी ये भी, इसलिए हाथ से बनाइए इसको इस तरीके से। देखिए गूंथ गया है, लेकिन इसको कैसे गूंथना है देखिएगा। पानी डाल दिए हैं इस तरीके से, अब बिल्कुल इसके इससे गूंथना है आपको इस तरीके से। अच्छे से गूंथेंगे तभी रोटी आपकी अच्छी बनेगी, नहीं तो टूट जाएगी रोटी, अच्छी नहीं बनेगी। ऐसे आपको गूंथना होगा इस तरीके से, ऐसे। देखिए, ज्यादा गीला नहीं, ज्यादा सूखा नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट आटा हो रहेगा तभी अच्छे से बनेगी रोटी इस तरीके से। पानी भी ज्यादा नहीं लगता है, पानी भी देखिए, पानी भी कम लगता है, देखिए बिल्कुल इतना पानी बचा ही है। चलिए रोटी बनाने चलते हैं। चलिए बनाते हैं। देखिए, हमने थोड़ा सा सूखा आटा ले लिया है, थोड़ा सा लिया है,
इसको हाथ में लगा लेंगे, या तो तवा रख दिया है गरम हो रहा है, तवा रख दिया है गरम हो रहा है। अब इतने इतना आटा हम ले लेंगे, इस तरीके से इसे गोल बना लेंगे। देखिए ऐसे कर दिए हैं, इसे सूखा आटा लगा के बढ़ा लेंगे। आप चाहो तो पतली भी बना सकते हो, ज्यादा मोटी नहीं बनाना है, ज्यादा मोटी बनाएंगे तो कच्चा रह जाएगा, इसलिए पतली पतली आराम से बन जाएगा। इस तरीके से बनाएंगे हाथ से, देखिए कितनी अच्छी रोटी बनके तैयार हुई। देखिए न चौका न बेलन, बिल्कुल हाथ से। देखिए कितनी परफेक्ट रोटी बनके तैयार हुई है। चलिए तवा गर्म हो गया है, अब मैं तवा पे रखने चल रही हूँ। गैस का फ्लेम मीडियम रहेगा, आज मैं बाजरे की चूरमा, बाजरे की रोटी की चूरमा बनाऊंगी। आप देखिएगा पूरी वीडियो ध्यान से। इतने आटे में हमने तीन रोटी बनाई, देखिए रोटी एक तरफ की हो गई है, इस तरह से पलट लेंगे और दूसरी रोटी भी ऐसे ही बना लेते हैं। देखिए दूसरी रोटी भी इस तरीके से बड़ा कर देंगे, ऐसे सूखा आटा लगा के ऐसे ही धीरे, बहुत ही आराम से धीरे धीरे बनाएंगे, नहीं तो ये टूट जाता है। और सिंपल बगैर गेहूं का आटा मिलाए आप नहीं बना सकते हो, ये टूट जाएगा तुरंत तुरंत, इसलिए गेहूं का आटा मिलाना थोड़ा सा सही रहता है, आराम से बन जाता है। देखिए कितना परफेक्ट रोटी बनके तैयार हुई है, बिल्कुल मोटा भी नहीं है। देखिए पास से दिखा रही हूँ, ज्यादा मोटा भी नहीं है, पतला है। दूसरी रोटी भी इस पे रख दी है, इसको उतार दिए अलग से। अब एक रोटी और है, इसे भी बना लेती हूँ साथ में ही गरम गरम बना के। अब देखिएगा पूरी वीडियो ध्यान से, कुछ भी स्किप ना हो, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। देखिए गैस का फ्लेम भी मीडियम है, ज्यादा हाई पे नहीं बनाना है, नहीं रोटी कच्ची रह जाएगी। इस तरीके से रख देती हूँ। देखिए अच्छे से रोटी फूल गई है, इतनी अच्छी रोटी फूल गई है बैलून जैसा। देखिए देखिए कितनी अच्छी रोटी फूल के तैयार हो गई है। हमने एक रोटी और बची है, उसे भी बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे का। देखिए अच्छे से रोटी फूल गई है, ये भी अच्छे से सीख गया है। चलिए अब इसका मैं गैस, इसमें डालने के लिए देखिए लिया है काजू, अखरोट, किशमिश और बादाम। इसको मैं बारीक काट लेती हूँ। ये गरम गरम रोटी है, इसको इसका मैं चूरमा बनाऊंगी इस तरीके से, तोड़ के बिल्कुल ऐसे बारीक।
रोटी को भी तोड़ लेंगे। सारी रोटी को बिल्कुल बारीक तोड़ लेंगे छोटे छोटे टुकड़े। देखिए बारीक सारे मेवे को काट लिया है इस तरीके से, और देखिए चूरमा भी अच्छी तरीके से, देखिए रोटी का भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए हैं। देखिए चलिए इसको हल्का सा घी डाल के भून लेते हैं स्वाद के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए। देखिए तड़का पैन रख दिया हमने, अब इसमें डालेंगे एक चम्मच घी। तो आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक चम्मच घी डालेंगे इसमें। ये चूरमा बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी लगेगा, आप जरूर बनाइएगा घर पे अपने। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और हेल्दी हेल्थ के लिए हमने काजू बादाम और किशमिश अखरोट छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। अब इसको हल्का हल्का रोस्ट करेंगे, ज्यादा नहीं बस हल्का रोस्ट करेंगे। घी गर्म हो चुका है, इसमें सबसे पहले डाल रहे हैं बादाम। अब गैस का फ्लेम लो कर दिया है, अब इसमें डालेंगे काजू। घी और डाल देते हैं, डालेंगे अखरोट और किशमिश। गैस को ऑफ कर देंगे। देखिए अच्छे से रोस्ट हो चुका है, अब इसको इसमें डाल देते हैं। घी की और जरूरत होगी तो डाल लेंगे, इसमें हेल्दी इतना होता है। घी और गुड़ से बनाइए आप, गुड़ आपको नहीं पसंद है तो आप चीनी का भी बना सकते हो, लेकिन गुड़ ज्यादा हेल्थ के लिए सही है, इसलिए गुड़ में आयरन कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में मिलता है, इसलिए आप जरूर गुड़ का सेवन करें ठंडियों में। देखिए गुड़ के हमने भी बारीक टुकड़े कर दिए थे छोटे छोटे बिल्कुल। अब इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे, फिर चूरमा बनाते हैं। आप भी अपने घर में बनाइए और खाइए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। ठंडी का टाइम है, इसी समय अच्छे अच्छे पकवान खाए जाते हैं। और घी डालेंगे भी, घी खूब पड़ता है इसमें ज्यादा। देखिए दोनों हाथ से अच्छी तरीके से घी डाल के मिला दिए हैं, देखिए कितना अच्छा बन गया है, बहुत ही हेल्दी है, आप जरूर बनाइए। देखिए खूब अच्छे से गुड़ घी डाल के आप देखिए इस तरीके से बनाइए, आप भी खाइए और आप भी बनाइए, किचन में जाइए बनाइए खाइए, और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी मेरी रेसिपी। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर से जरूर दबा दीजिएगा, मेरी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी।
चलिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।